और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्राइम शो के एंकर सुहेब इलियासी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत ने यह फैसला सुनाया है, सुहेब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने यह अदालत ने ऐलान किया है उम्र कैद की सजा का। दरअसल में पत्नी की हत्या करने के दोष में उम्र कैद सुनाई गई है सुहेब इलियासी को। लंबे समय से मामला अदालत में चलता रहा और उसके बाद अब ये इस मामले पर अदालत का फैसला आया। जनवरी 2000 में सुहेब इलियासी की पत्नी की हत्या हुई थी और उसके बाद आरोप और शक की सुई सुहेब इलियासी पर घूमी और जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही। अदालत में मामला लंबे समय तक चलता रहा और पत्नी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुहेब इलियासी को सुनाई है दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत ने। इस वक्त की बड़ी खबर, सुहेब इलियासी से जुड़ी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत ने सुनाई है सुहेब इलियासी को। साल 2000 में पत्नी की हत्या हुई थी, तब से लगातार मामला अदालत में चलता रहा। 11 जनवरी 2000 को सुहेब इलियासी की पत्नी का शव घर में मिला था। 28 मार्च 2000 को सुहेब इलियासी को गिरफ्तार किया गया अपनी पत्नी अंजू की हत्या के आरोप में। घर वालों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया था सुहेब इलियासी पर। 20 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया। आपको बता दें कि इंडियाज मोस्ट वांटेड प्रोग्राम से चर्चा में आए थे सुहेब इलियासी अपनी एंकरिंग के चलते। जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई के दौरान पहचान हुई थी, लेकिन अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हैं सुहेब इलियासी की, क्योंकि अदालत ने दोषी करार ही नहीं दिया है बल्कि उम्र कैद की सजा भी सुना दी है सुहेब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्राइम शो एंकर सुहेब इलियासी से जुड़ी, जिनको उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत ने सुनाई है। साल 2000 में सुहेब इलियासी की पत्नी की हत्या हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद, अदालत ने किन किन पहलुओं को ध्यान में रखा और सुहेब इलियासी की तरफ से क्या कुछ विकल्प बचते हैं? देखिए, सुहेब इलियासी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में जो सरकारी पक्ष के वकील हैं, उन्होंने अधिकतम सजा यानी फांसी की सजा की मांग की थी। सरकारी वकील का कहना था कि ये एक ऐसा मामला है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। इस मामले में अच्छे तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया और एक मर्डर को सोची समझी साजिश के तहत आत्महत्या की शक्ल दी गई। लेकिन यहाँ पर जो सुहेब इलियासी के वकील थे, उन्होंने सजा में रियायत की मांग की गई। उनका कहना था कि अरेस्ट ऑफ प्रेयर का केस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया, ये भी कहा कि सुहेब इलियासी का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, जमानत के दौरान उन्होंने किसी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है और वो पिछले 17 साल से इस केस का सामना कर रहे हैं। तो सुहेब इलियासी के वकीलों की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने एक किस्म से इस मामले में रियायत देते हुए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है सुहेब इलियासी को।